माता है और खूब सेवा करती है, ऐसी बात नहीं। हमें तीन चार दिन हुई है, हम खैर देखते हैं सब माताएं बढ़िया, यहाँ तो सब माताएं बढ़िया। हम अपे हुए की कह रहे हैं बाबा जी, हम आए हुए बैयरवानी बहुत हो इसी तो तासे अपे ही बुराई कर ले। मामे खैर कोई दिक्कत नहीं, आपकी करें तो शाम को मिली मिली न मिली रोटी। ध्यान देना, जो अपने पति से कलह रखती हैं, हमेशा झगड़ा करती हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। यहाँ तो माताएं ठीक है, बुराई मत मानियो ना, माधव की बुराई लेके तुम बैठ जाओ, कल आओ ही ना, जाओ तो भाई है। सुनो सुनो, खैर तुमने देखी हुई है, पिता तुल बुजुर्ग बैठे हैं, ताली बजती है तो रण दो हाथ पे, जब ऐसे बजे तब आवाज करे, ताली दो हाथ से बजते हैं। जब ताली जब दो हाथ से बजती है तो एक तरफ की गिनती ना हो, खैर गिनती मातन को ही दे दे, इन्हें गिनती ना। अब इनके घर से हैं बिना कछु पी के अगर शाम को आए तब मातन की बात छोड़ो, हिम्मत नहीं होती। पता नहीं मैया पांच छोबे को जो कि ऊपर से बन बरी है दैला, कोई अमाई दाए भाई डेढ़ पिस्टन की तो बगो है वो तो तासे की गलती नहीं, छुती पाए। अरे कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व चराखा, कर्म एक प्रधान की उपाधि दी है। कर्म कर्म जैसे कर्म करोगे बस वैसा फल मिलेगा। कर्म चाहे तो पूजा है जाए, और कर्म चाहे तो तासे भैया, ये तो बात माताओं की रही, अब भाइयों की देख लो। तुम भी उस तरीके से बनाओ जो माताएं तुम्हारी सेवा कर सके। कैसे? बंदो सात जन्म दुख पावोगे, पत्नी से दगा करोगे। इन भैया के जन्म बताए ना, और सबके ना उनके जो घरे जो हमेशा कले रखते हैं, अपनी पत्नी को सताते, पत्नी की बात नहीं मानते, उन भाइयों से निवेदन है, मेरा संदेश है भाइयों के लिए।
भैया रमनेश हरियर क्षेत्र के किनारे बैठे ब्यास नंदन सुखदीप जी समझाने लगे हे उत्तर नंदन परीक्षित मैया तारा ने जवाब दिया मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। तब तक पुत्र रोहितास आ गया। रोहितास